कनिका कपूर होटल ताज और वो। उस कमरे में कनिका अकेली नहीं थी। कोई और था कनिका के साथ। कांड में एक और कांड का खुलासा। कोरोनिका का अब भी मंडरा रहा काला साया। एक चिट्ठी से खुल गई कनिका की कथा। है वो जो कनिका के साथ पल पल था। आखिर वो कौन है जो कनिका के कमरे में था। लखनऊ के ताज होटल में दो रात। आखिरकार कनिका रही किसके साथ। किसके साथ कनिका होटल ताज में थी। क्या वो कनिका का राज जानता था। पता था कनिका कोरोनिका बन चुकी है। वो कमरा जिसके अंदर है इनसाइड स्टोरी। आज उस कमरे का खुलेगा दरवाजा। कमरा नंबर 362। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कमरा नंबर 362 और मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। आप मेरे बगल में कनिका कपूर को देख रहे हैं और वो कमरा नंबर 362 के पास खड़ी है। ये लखनऊ के होटल ताज का वही कमरा है जहां दो दिनों तक कनिका ठहरी थी। लेकिन अकेले नहीं, इस कमरे में कनिका कपूर के साथ कोई और भी था जो पल पल उनके साथ रहा। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो कनिका के साथ परछाई बनकर रह रहा था वो अब कहाँ है, क्योंकि कनिका तो कोरोनिका बन चुकी है और साथ में जो शख्स था उसकी तलाश हो रही है। आखिरकार कमरा नंबर 362 में कनिका के साथ रहने वाला शख्स कौन है, ये जानने के लिए देखते रहिए कमरा नंबर 362। कनिका कपूर के भारत आते ही कोरोना को लेकर हड़कंप जो है वो मच गया। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद सब लॉकडाउन है और इन सब के बीच में कनिका को लेकर जो नया खुलासा हुआ है वो डराने वाला है, क्योंकि लखनऊ में होटल ताज के जिस कमरे में कनिका ठहरी थी उस कमरे में एक और शख्स मौजूद था। नाम ओजस देसाई है। इस ओजस देसाई को लेकर क्यों बवंडर मचा हुआ है, चलिए बताते हैं। वो कनिका के बेहद करीब है। उसका पता किसी को पता नहीं। अब उसे हर कोई तलाश रहा। उसका नाम ओजस देसाई है। कनिका कपूर, अब इस नाम से हर कोई वाकिफ हो चुका है। पिछले कुछ दिनों से कनिका और कोरोना को लेकर क्या चल रहा है इसकी खबरें तो सबके पास है, लेकिन उसकी खबर किसी को नहीं है जो लखनऊ में पल पल
कनिका के साथ था, जो परछाई की तरह कनिका के साथ 48 घंटे था। अब उसकी तलाश हो रही है। दरअसल 14 मार्च को जब कनिका कपूर लखनऊ आई तो उनके साथ एक और शख्स था जिसका नाम ओजस देसाई है। और इस वक्त ये ओजस देसाई कहाँ है इसकी जानकारी किसी के पास नहीं। दरअसल लखनऊ में सीएमओ की एक चिट्ठी से बड़ा खुलासा हुआ है। सीएमओ के मुताबिक कनिका कपूर के साथ उनके दोस्त ओजस देसाई भी लखनऊ के होटल ताज में ठहरे थे और दोनों एक साथ एक ही कमरे में थे, कमरा नंबर 362। खबरों के मुताबिक 14 मार्च को कनिका कपूर और ओजस देसाई सुबह 11:14 पर होटल पहुंचे थे। दोनों ने एक ही रूम बुक किया और दो दिन रहने के बाद दोनों ने 16 मार्च को होटल से चेकआउट किया। अब सवाल ये है कि जब कनिका कपूर लखनऊ पहुंची थी तो वो कोरोना पॉजिटिव थी, क्योंकि यूपी पुलिस ने कनिका के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की है उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि कनिका एयरपोर्ट पर ही कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। अब ऐसे में ये सोचा जा सकता है कि जो शख्स कनिका के साथ दो दिन रहा, एक कमरे में दोनों साथ रहे, उस शख्स को भी कोरोना का खतरा है। लेकिन वो शख्स यानी ओजस देसाई है कहाँ, इसकी खबर किसी को नहीं है। 16 मार्च को जब दोनों होटल से बाहर निकले तो कुछ मिनटों का ही अंतर था। ओजस देसाई ने 16 मार्च को सुबह 9:48 पर चेकआउट किया तो वहीं कनिका कपूर ने भी 16 मार्च को ही सुबह 10:05 पर होटल से चेकआउट किया था। दोनों दो दिन तक साथ में थे, ऐसे में ओजस देसाई को भी कोरोना वायरस का खतरा है। लेकिन ओजस कहाँ है इसका पता जल्द लगाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो बॉलीवुड की मशहूर सिंगर कनिका कपूर कोरोना की वजह से लखनऊ के KGMU में भर्ती हैं। आरोप यह है कि कनिका की वजह से लखनऊ और कानपुर में हड़कंप मचा हुआ है। कनिका ने कोरोना होने की बात छिपाई जिसके चलते कनिका पर FIR भी दर्ज है। लेकिन सवाल यह है कि अगर एयरपोर्ट पर ही कनिका कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी तो उन पर लखनऊ प्रशासन ने नजर क्यों नहीं रखी और कैसे कई पार्टियों में कनिका जो है वो शामिल होती गई, और जब समारोह पार्टियों से कोरोना के बढ़ने का खतरा है तो फिर कैसे पार्टी के लिए परमिशन दे दी गई। सवाल सिर्फ कनिका पर नहीं उठते बल्कि लखनऊ प्रशासन पर भी है। कनिका कोरोना कांड के कितने जिम्मेदार? क्या कनिका ने कोरोना की बात छिपाई? क्या कनिका को लेकर एयरपोर्ट पर चूक हुई? क्या लखनऊ प्रशासन ने बड़ी लापरवाही की? बॉलीवुड की मशहूर सिंगर कनिका कपूर को लेकर देश गुस्से में है और वजह महामारी कोरोना है। पांव पसारते किलर कोरोना को लेकर लोग डरे हुए हैं। अपील की जा रही है लोग पार्टी, समारोह और कहीं भी इकट्ठा होने से दूर रहें। कनिका कपूर ने जो किया है उस पर सवाल तो है ही, लेकिन सवाल ये भी है आखिरकार कनिका कपूर को लेकर लापरवाही कहां कहां हुई है और लखनऊ प्रशासन से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। इन सब के बीच कनिका कपूर पर FIR दर्ज हो चुकी है और जो बातें FIR में लिखी गई हैं उससे कनिका कपूर तो सवालों के घेरे में है ही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल लखनऊ प्रशासन पर है। लखनऊ प्रशासन पर सवाल क्यों है ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले जानिए कनिका कपूर के खिलाफ दर्ज FIR में क्या है।
कनिका 14 मार्च को लखनऊ आई थी, कुछ दिन पहले लंदन गई थी। उन्हें 14 मार्च को ही एयरपोर्ट पर कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। उन्हें घर पर क्वारंटाइन में रहने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन उन्होंने नियम तोड़ते हुए कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, इसलिए महामारी कानून के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से कनिका कपूर को लेकर सवाल हो रहे हैं, ठीक उसी तरह से अब सवाल FIR और जिला प्रशासन पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि एयरपोर्ट पर ही अगर कनिका में कोरोना की पुष्टि हो गई थी तो उन्हें क्यों इस तरह से कहीं भी जाने दिया गया? क्यों नहीं लखनऊ प्रशासन ने कनिका कपूर को अस्पताल में भर्ती कराया? ऐसे कई सवाल हैं जो लखनऊ प्रशासन से पूछे जाने चाहिए। जिस महामारी कानून के तहत कनिका पर FIR दर्ज की गई है, आखिरकार उस कानून में क्या क्या है, ये भी पहले जान लीजिए। महामारी कानून 1897 में बनाया गया था। बॉम्बे में ब्यूबोनिक प्लेग महामारी फैलने के बाद कानून बना। महामारी की रोकथाम के लिए कानून बनाया गया था। इस कानून के तहत अधिकारियों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए। महामारी कानून की कुछ बड़ी बातें भी जान लीजिए। महामारी कानून में 4 सेक्शन हैं। पहले सेक्शन में कानून के बारे में समझाया गया है। दूसरे सेक्शन में अधिकारों का जिक्र है जो केंद्र और राज्य सरकारों को मिलते हैं। तीसरे सेक्शन में IPC की धारा 188 के तहत दंड जुर्माने का जिक्र है। चौथे सेक्शन में अधिकारियों को कानूनी संरक्षण है। अब सवाल ये है, जब महामारी कानून के तहत अधिकारियों के पास इतने अधिकार थे, तो फिर क्यों नहीं कनिका कपूर को लखनऊ एयरपोर्ट से ही अस्पताल भेजा गया, और अधिकारियों ने कनिका कपूर पर सख्ती के साथ नजर क्यों नहीं रखी? आज कोरोना को लेकर लखनऊ में जो कोहराम मचा हुआ है, क्या उसके लिए लखनऊ प्रशासन पर कोई कार्रवाई होगी? होगी तो कब? ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।